शो होगा डेफिनेटली. जो भी दीवान्स करते हैं हमेशा क्लास से ही करते हैं और मैं फैमिली से बहुत क्लोज हूँ. मुझे अजय जी जो टी सीरीज के हैं वहाँ से मुझे बहुत सारे इनविटेशन भी मिले, तो दोनों तरफ से, चाहे रिबेका जो जिसकी फैमिली मेरे से बहुत करीब है या टी सीरीज जिससे जुड़ी हुई है, तो उनकी तरफ से इतने इनविटेशन आए कि मुझे आना ही था. और मैं रिबेका को ऑल द बेस्ट ही कहूँगी. ये उनका पहला शो है और कुछ नया करने जा रहे हैं, और हमेशा जब एक औरत कुछ करती है तो मेरी हर खुशी हर आशा होती है कि वो सक्सेसफुल ही रहे. थैंक यू. कहो ना प्यारे अगर जिस दिन बने, और मैं जानती हूँ ऑफ़ कोर्स मैं चाहती हूँ कि बने, लेकिन मुझसे ज़्यादा ऑडियंसेस चाहती हैं. अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे कभी जाओ, ट्विटर पे, तो रिक्वेस्ट यही हर ऋतिक को, मुझे, फिल्म क्राफ्ट मूवीज़ को, कि प्लीज़ कम बैक टुगेदर कहो ना प्यारे टू, कहो ना प्यारे, प्लीज़ मिस्टर राकेश रोशन, प्लीज़ सुनैना रोशन. मतलब किसी फैमिली मेम्बर को हम लोग के ऑडियंस ने छोड़ा नहीं है ये पूछने के लिए कि प्लीज़ कभी अब कहो ना प्यारे बैक टू टुगेदर. और इस वक्त मोहनजोदड़ो के प्रमोशंस के लिए भी, अगर आपने जज कमा, लेकिन हर फिल्म ऐसे कामयाबी नहीं पा सकती, यू नो, विद अ न्यू कमर. सो यस, वो जो प्यार बसा हुआ है ऋतिक और मेरे लिए साथ में, कहो ना प्यार है टू बनेगी तो बम्पर ओपनिंग ही मिलेगी उसको, फॉर श्योर. मैं क्या कहा, सोशल मीडिया चाहती कि मैं और ऋतिक कहो ना प्यार है मेरा आ जाए वापस. कहो ना प्यार है अधूरी, जैसे गदर अधूरी होगी मेरे बगैर या कोई एक्टर के बगैर, तो ये बेश बेड़ों को क्या सवाल है कि आप कहो ना प्यार है चाहोगे सीक्वल, ये क्या बात है. नहीं, कहो ना प्यार है एक ऐसी फिल्म है जो 30 साल बाद अगर आप बनाओगे तो आपको नया कास्ट लेना चाहिए, क्योंकि आशिकी जैसे पुरानी हो चुकी. कहो ना प्यार है पुरानी नहीं हो चुकी, जैसे गोलमाल की सीरीज है, अजय देवगन बार बार आते ही है ना, क्रिश ऋतिक हर बार आता ही है ना. मैं कुछ नहीं बोलती, मैं किसी को एडवाइस नहीं करती कि कौन सी फिल्म बनानी चाहिए. उनका प्रोडक्शन हाउस है, उनके पैसे लगते हैं, उनका दिमाग है, तो हर एक जो फिल्म बनाना चाहे, मे बी ही वॉन्ट्स टू मेक क्रिश 4, 5, 6 एंड नॉट कहो ना प्यारे टू. आई एम नॉट समवन हू इज़ गोइंग टू टेल यू. सॉरी, किस किस के लिए? फार्मर्स के लिए आज नहीं, हमेशा थैंक यू कहना चाहिए. भारत अगर जाना गया है, इतिहास गवाह है, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक हिंदुस्तान इरिगेशन फार्मर्स का लैंड है. हम लोग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं. वेल एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, कपिल्स वाइफ रेबेका launching her fashion designing career. I wish her the very best and looking forward to the event. What I'm expecting to see good designs, good labels, something that I can sport very soon for some appearance of mine, and being a little selfish here, but of course come here to give her my wishes, and I wish her all the best. Be yourself, do your thing. Don't follow trends, wear what you're comfortable wearing, and you look cool and happy. Well, I've not been approached so far, and in case I am, we shall see. Ye different hai, accessory. Yes, it is different. I think ये mostly Indian clothes के साथ पहना जाता है, but I wanted to try something different. So though although I'm wearing something Western, I still wanted to add a tinge of Indianness to it, and that's why I added it. And I think it looks nice. जी. And
Jimmy Shergill and Runa Abdullah. Yes, I am really excited about it. I'm really looking forward to it. In fact, aaj hi hamara Hairat-e Aashiqui ek romantic song hai, Sufi romantic song hai jo launch hua hai. And I think it's looking beautiful. We are getting good feedback, so I'm really excited about it. And I hope the best comes out of it. And I'm more excited about a film that Sharman and me are doing together, which is Tom, Dick and Harry 2. Yes, we already started shooting for it, so I'm really excited. Yeah, so am I. I'm looking forward to this film. बहुत क्यूट है. बहुत ही रोमांटिक है. या या नहीं तो टॉम डिक एंड हैरी रिटर्न्स में पूजा एंड मी आर पेयर्ड विद ईच अदर और एक कॉमेडी फिल्म है और साथ ही साथ उसमें कुछ किस्म का डेप्थ भी है. देर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी अलोंग विद अ लॉट ऑफ फन. सो अ फिल्म दैट आई एम रियली कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू. आई मीन आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज. Little bit of my character. The thing is, Deepak Tijori, the director of the film, when he narrated the script to me, I was sold on the idea that Deepak is going to be directing it, and Sharman is also part of it with Jimmy and Aftar. The story is fun. The character of the girl is super fun, and the fact that Deepak ji and Sharman were in it, I think I was already a part of it right from the beginning of the narration. आई डोंट नो राइट नाउ. फिलहाल तो विशाल ने वजह तुम वो करके एक फिल्म बनाई है जिसपे हमने हाल ही में काम खत्म किया और दिसंबर 2 को वो कुछ रिलीज होने वाली है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट और 2024 की अनाउंसमेंट ये लोग करेंगे.